वीरेंद्र सहवाग, एक ऐसा हरफन मौला ओपनर बल्लेबाज, जब टीम में बल्लेबाजी करते थे तो लोग देखकर हैरान हो जाते थे कि इतनी ताकत, इतनी क्षमता इस बल्लेबाज के पास कैसे है और इतनी आत्मनिर्भरता भी, आत्मविश्वास जो सहवाग के पास था, वो और किसी बैट्समैन के पास होगा या नहीं। तो इस चीज़ को अब वापस से रिबॉर्न किया है नए स्टार बल्लेबाज टीम इंडिया के मयंक अग्रवाल ने। स्वागत है आपका नेक्स्ट स्पोर्ट्स में, मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट ऋतिक। और आज बात करते हैं मयंक अग्रवाल के ऊपर, क्योंकि मयंक अग्रवाल एक दो दिनों से इतने ज़्यादा चर्चाओं में हैं, क्योंकि और हो भी क्यों ना, क्योंकि जो कारनामा उन्होंने करके दिखाया है वो शायद ही किसी और बल्लेबाज ने टीम के लिए करके दिखाया होगा। और आज इस पर बात करेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी पत्रकार अमन जी। सर, मयंक अग्रवाल 7-8 मैचेस, ज़्यादा मैचेस का अनुभव है नहीं फिलहाल उनके पास, और जब भी देखा गया है उनको मौका जब दिया जाता है तो बल्लेबाज सोचता है कि या तो मैं कम से कम 50 तो स्कोर कर ही लूं, 100 तो कर ही लूं। ये बल्लेबाज सोचते हैं कि मैं डबल सेंचुरी कम से कम बनाऊं, और ये डबल सेंचुरी लगाते हैं और याद दिलाते हैं सहवाग की। क्या लगता है कि आप, बहुत लोग कह रहे हैं कि मयंक अग्रवाल में सहवाग की छवि दिखती है, क्योंकि जिस तरीके से निडर होकर खेलते थे वीरेंद्र सहवाग, वैसे ही निडर होकर मयंक अग्रवाल भी खेलते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बिल्कुल, सहवाग की अपनी अलग बैटिंग शैली थी और बहुत ही लाजवाब थी शुरुआती दौर अगर उनका देखेंगे जी, तो बहुत कमाल की बैटिंग उन्होंने की थी। उनको सचिन से तुलना उस समय की जाने लगी थी कि सचिन की तरह खेलते हैं, सचिन जैसे दिखते हैं और उन्हीं के स्टाइल में बैटिंग करते हुए नजर आते हैं। तो बिल्कुल उनकी क्षमता लाजवाब थी और लगातार उनके बल्ले से रन निकलना शुरू हुए तो फिर रुके ही नहीं। उसी तरह से अगर मयंक की बात करें तो बिल्कुल 7-8 मैचों का टेस्ट अनुभव है और उसमें भी अगर 2-2 शतक आ जाएं जी, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि बल्लेबाज किस तरह से अपने प्रदर्शन में जो निरंतरता बरत रहा है, लगातार उस प्रदर्शन को बनाए रख रहा है, जो अब आसान नहीं होता अंतर्राष्ट्रीय मंच पे। और लगातार उनके जो शतक हैं वो सिर्फ शतक नहीं बल्कि बड़े बड़े शतक निकल कर सामने आ रहे हैं और दोहरे शतक में तब्दील कर रहे हैं, तो ये बता रहा है, दिखा रहा है कि किस तरह की उनके अंदर तकनीक की क्षमता कितनी बेहतरीन है और साथ में अपनी पारी को आगे लेके जाने की जो उनकी योग्यता है उस पर बहुत ही ज़्यादा उन्होंने काम भी किया है और लगातार बड़े बड़े स्कोर खड़े कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो चिंता सबब बना हुआ था कि एक अच्छा ओपनर मिलना चाहिए, एक अच्छी ओपनिंग जोड़ी मिलनी चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि टेस्ट मैच में रोहित और मयंक रूप में एक बहुत ही धुआंधार और बहुत ही बेहतरीन सदी हुई जो है ओपनिंग पार्टनरशिप की जोड़ी कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है। बात करें मयंक अग्रवाल की तो साल 2018 में उन्होंने मेलबर्न में टेस्ट में डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और उसके बाद वहां पे भी उन्होंने अच्छे स्कोर किए, 8 मैचेस खेले हैं टोटल, अगर बात करें तो 858 रन उनका है, 858 रन सिर्फ 8 मैचेस में, और हाईएस्ट स्कोर इसमें ही 243, साफ बता देता है कि बैट्समैन किस लय में है। जी बिल्कुल, और जब इस तरह के मौके मिलते हैं लगातार कहीं खेलने का मौका मिलता है, रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज या वो विराट कोहली जैसे कप्तान आपके साथ होते हैं तो बिल्कुल आपका मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ जाता है और लगातार आप अपनी छाप छोड़ते हुए नजर आते हैं। और लगातार जैसे देखा जा रहा था रोहित शर्मा के बारे में हर तरफ बात हो रही थी, मयंक के बारे में हालांकि बात तो हो रही थी लेकिन उतनी बात नहीं हो रही थी, उतनी ज़्यादा चर्चा नहीं थी, लेकिन अब जब आप देखें तो इसके ठीक उलट चीज़ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब रोहित शर्मा के बारे में एज ए ओपनर बात नहीं हो रही लेकिन हाँ मयंक के बारे में ज़रूर ये बात होती हुई नजर आ रही है कि ये वो बल्लेबाज है या वो बल्लेबाज की तरह दिखते हैं जो एक समय टीम इंडिया के सबसे धुआंधार, सबसे विस्फोटक बल्लेबाज हुआ करते थे और बड़े बड़े इनिंग्स के लिए मशहूर थे, यानी वीरेंद्र सहवाग की तुलना इनके साथ होती हुई नजर आ रही है। तो बिल्कुल अभी शुरुआती दौर है, 7-8 मैच खेले हैं तो बिल्कुल मुझे लगता है सिलसिला अभी आगे बढ़ने वाला है और अभी बहुत सारी सीरीज आने वाली है, उसमें जरूर मयंक अपने प्रदर्शन में और निखार लेकर आएंगे। ठीक है, वीरेंद्र सहवाग की अगर बात करें तो वीरेंद्र सहवाग ने टोटल 104 मैचेस खेले और इसमें भी उनके 8,586 रन है, क्योंकि आक्रामकता जो उनकी थी, जो एग्रेसिवनेस उनकी क्रिकेट में दिखती थी, वो बिल्कुल बतौर आपको मयंक अग्रवाल में दिखती है। क्योंकि अगर मयंक अग्रवाल की बात करें तो आप देखिए, अगर उसके उनके स्कोर कार्ड यही बताते हैं साफ कि 8 मैचेस बंदा खेलता है, 8 मैचेस में और 858 रन लगा देता है, यानी कि तकरीबन 900 रन उन्होंने लगा दिए, और उसमें भी टेस्ट मैच के अंदर उसमें भी डबल सेंचुरी दो बार, साउथ अफ्रीका के खिलाफ देन बांग्लादेश के खिलाफ। जाहिर सी बात है, कोई बल्लेबाज जब अच्छी फॉर्म में होता है, अच्छा उसका जो है दिन चल रहे होते हैं, अच्छे से उसके बल्ले से गेंद लग रही होती है, तो बिल्कुल ये कोई डाउट नहीं है कि उसको इसका इस्तेमाल अच्छे के लिए करना चाहिए। और बिल्कुल मयंक इस समय उस फॉर्म में है, उस लय में है कि उनके बल्ले से न सिर्फ रन निकल रहे हैं बल्कि रन बड़े स्कोर में बन रहे हैं, बड़े स्कोर और ज़्यादा बड़े स्कोर में तब्दील हो रहे हैं, तो यानी कि शतक के बाद वो दोहरा शतक भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले मैच वो 13 शतक भी लगाते हुए नजर आ जाएं, क्योंकि जिस तरह की उनकी तकनीक है, जिस तरह से तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जो 319-18 का जो वीरेंद्र सहवाग का टेस्ट में जो उनका सबसे बेहतर पारी का जो रिकॉर्ड है वो
मयंक अग्रवाल तोड़ देंगे। बिल्कुल, और रिकॉर्ड में मैं तो यही मानता हूँ रिकॉर्ड हमेशा टूटने के लिए ही बनते हैं, और इसीलिए आप मुझे लगता है कि मयंक में वो योग्यता है, ज़रूर वो साबित करेंगे खुद को, क्योंकि उनकी अगर दोनों पारी देखेंगे आप बड़ी संयमित पारी खेलते हैं, बड़ा मिला जुला उनका क्रिकेट है। जिस गेंद को ख़राब समझते हैं तो चक्का भी लगाते हैं, लेकिन जिस गेंद को सम्मान देना चाहिए उसको बिल्कुल छोड़ते भी हैं, उसके ऊपर बिल्कुल जिस तरह से हम कहते हैं कि डिफेंस बैटिंग करते हैं, तो ये एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा उनकी बैटिंग में नज़र आता है। और बड़े बल्लेबाज, दिग्गज बल्लेबाज जो पूर्व बल्लेबाज हैं, वो भी उनकी इस तकनीक के कायल हो रहे हैं, और जाहिर बात है कि जिस तरह से अनुभव उनका बढ़ता जाएगा उनकी बैटिंग में और निखार आने की संभावना है। और लगातार ऐसा माना जा रहा है कि ये बल्लेबाज जो खोज में थी टीम इंडिया के, एक अच्छा ओपनर मिलना चाहिए, और अब जब 7-8 मैच खेल चुके हैं तो मुझे लग रहा है कि काफी हद तक उनके अंदर भी ये, वो भी 7-8 मैचेस में 2 बार डबल सेंचुरी भी, तो ये बता देता है कि बंदा किस फॉर्म में। बिल्कुल, ड्रेसिंग रूम में बैठने का जो माहौल होता है, कहीं ना कहीं बड़े बल्लेबाज जो होते हैं उनके साथ में बैठने का जो एक माहौल मिलता है, जाहिर बात उससे बहुत फर्क पड़ता है। और अब जो है मयंक एक उभरते हुए न सिर्फ बल्कि एक मजबूत बल्लेबाज बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो बिल्कुल इनका प्रदर्शन आने वाले मैच में भी बेहतर रहेगा, इसकी उम्मीद पूरी टीम में इंडिया के जो फैंस है वो कर रहे हैं। और साथ में कप्तान जो है विराट कोहली, उनका भी बहुत ज्यादा इनके बिलीव बनता चला जा रहा है, क्योंकि इस तरह के प्रदर्शन वो कर रहे हैं कि देखिए एक ही इनिंग उनको खेलने मिलती है उसमें वो दोहरा शतक मार देते हैं, कमाल की बात यह है, दूसरी इनिंग की जरूरत ही नहीं है, तो ये एक बेमिसाल क्रिकेटर बनते चले जा रहे हैं, और जाहिर बात आने वाले मैचेस में इनके बल्ले से और रन निकलेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा से इस पर बात करने के लिए। तो जिस तरीके से मयंक अग्रवाल, उनके लोग कह रहे हैं कि मयंक के अंदर अब वीरेंद्र सहवाग की छवि देखने को मिल रही है, क्योंकि जब सहवाग टीम से उन्होंने संन्यास लिया था लोगों को लगता था कब आएगा ऐसा विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज, लेकिन अब ये मयंक अग्रवाल में देखने को साफ मिल रहा है, क्योंकि देखिए 8 मैचेस खेलते हैं, 8-9 मैचेस में 850-900 रन उनके होते हैं, और उसके बाद 70-60 का उनका स्ट्राइक रेट है, और उस बीच में 2 डबल सेंचुरी लगा देना सबसे बड़ी बात एक बैट्समैन के लिए हो जाती है, और यही उनको आगे लेकर जाएगा, और आने वाला वक्त बेहद दिलचस्प होने वाला मयंक अग्रवाल के लिए, क्योंकि अगर सहवाग की छवि है तो सहवाग की ताकत वो जरूर देखने को मिलेगी मयंक अग्रवाल के फॉर्म में टीम इंडिया को। स्पोर्ट्स रिलेटेड तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको अपडेट्स कराएंगे, रूबरू कराते रहेंगे, देखते रहिए नेक्स्ट स्पोर्ट्स को। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार एंड टेक केयर।